न्यू डाक बंगला रोड प्रदर्शन कर रहे बीएसएससी कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। इसमें कई कैंडिडेट्स को चोटें आई है। बुधवार सुबह 5000 से ज्यादा कैंडिडेट्स तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। कैंडिडेट्स के आंदोलन में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी खजांची रोड बकरगंज होते हुए गांधी मैदान पहुंचना था। इसके बाद कारगिल चौक पर प्रदर्शन करते हुए बीएसएससी कार्यालय की ओर जाने की रणनीति थी। प्रदर्शन करने उतरे छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि तीनों शिफ्ट का प्रश्न वायरल हुआ था। इस परीक्षा में सीधे तौर पर 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। 9 लाख तो अभ्यर्थी है, इसके अलावा उनका परिवार है, परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। हम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर 9 लाख अभ्यर्थियों की भावना का सम्मान करें। बता दें कि 23 दिसंबर को बीएसएससी की तृतीय स्नातक परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सबसे पहले ब्रेक की थी। उसी दिन आयोग ने प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि चूंकि तीनों पालियों की परीक्षाओं का प्रश्न पत्र वायरल है, इसलिए तीनों ही परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। अभ्यर्थी बीएसएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग पर डटे हुए हैं। आयोग इसे रद्द नहीं कर रहा है, मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। आयोग और अभ्यर्थियों के बीच तनातनी है। इससे पहले छात्रों ने ट्विटर पर अभियान चलाया था और पटना कॉलेज में मीटिंग भी की थी। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं होने से सवाल उठते हैं। कहा कि जब तीनों पालियों की परीक्षाओं को प्रश्न पत्र वायरल है और बीएसएससी प्रश्न पत्र किसी को ले जाने नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में सभी को रद्द कर फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए। ये परीक्षा 2187 पदों के लिए ली गई थी। इस पीटी परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा होनी है। इसे अंतिम रूप से क्वालिफाई करने के बाद सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक और अनकेक्षक पदों पर नियुक्ति होनी है। 8 वर्षों के बाद यह परीक्षा हुई, लेकिन इसमें प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पहली पारी की परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा में कड़ाई ऐसी की गई कि इस ठंड में भी सभी को जूता पहनकर आने की मनाही थी। सभी चप्पल पहनकर परीक्षा देने आए थे। पुरुष अभ्यर्थियों का सेंटर घर से 200-300 किलोमीटर दूर दिया गया था, लेकिन सभी तरह की कड़ाई को धता बताते हुए शिक्षा माफियाओं ने प्रश्न पत्र लीक कर दिया। आर्थिक अपराध इकाई की तेज जांच से कई जेल भेजे गए हैं। दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षाओं के लीक प्रश्न पत्र को लेकर आर्थिक अपराध इकाई आज शाम तक बड़ा खुलासा कर सकती है। और पुलिस लगातार